चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो टू से। भैया अगर आप वीडियो में नए हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके चले जाना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। तो जैसे कि मतलब पिछला वीडियो में बोल चुके थे, अगर आप भैया पार्ट वन नहीं देखे तो पहले पार्ट वन देख लो यूनिट एंड मेजरमेंट का, देन आप पार्ट टू से कंटिन्यू करो। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी वगैरह आता है थोड़ा थोड़ा बेसिक, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो पार्ट वन दे दो। तो क्या बोले भैया, अगर हम लोग इस कंटिन्यू करते पढ़ाई, पिछले दिन हम लोग पढ़े कि भैया फिजिकल क्वांटिटी का होता है, तो एनीथिंग दैट इज मेजरेबल इज फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको मापा जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीका का होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट, कोई भी चीज को मेजर करना। उसके बाद पढ़े थे हम लोग यूनिट। यूनिट क्या है भैया, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम यूनिट ना लिखें उसका मीनिंगलेस, वो कोई मीनिंग ही उसका नहीं होता। मेरे रूम का लेंथ 10 मीटर है, इससे बात समझ में आता है, लेकिन हम बोल रहे हैं मेरे रूम का लेंथ 10 है, तो 10 डेसीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 डेकामीटर है, आप कैसे समझोगे। तो यूनिट के बिना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो कोई काम का नहीं होता, कोई काम का नहीं होता। तो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिट। यहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए थे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिट कितने टाइप का होता है। वो काइंड ऑफ यूनिट, यूनिट दो तरीका का होता है, एक होता फंडामेंटल यूनिट, एक होता डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, ऐसा कोई भी यूनिट जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, फंडामेंटल यूनिट ऐसा कोई भी यूनिट जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वो खुद अपने आप को इटसेल्फ अगर एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को खुद इटसेल्फ एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। लाइक अगर हम बोलते हैं न्यूटन, दोनों को हम लिखते हैं फोर्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर से हम बता रहे हैं, फोर्स का यूनिट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं बताएंगे। तो लेंथ का यूनिट बाबू है मीटर, टाइम को अगर आपको मापना है तो सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, लेंथ मापने के लिए मीटर, टाइम से हम लोग जो मेजर करते हो क्या है भैया सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर, बताया पिछले वीडियो में। उसके बाद अगर हमको कोई चीज का वॉल्यूम मापना है तो लीटर। तो ये सब क्या यूनिट है, तो ऐसा कोई भी यूनिट जो अपने आप को इटसेल्फ एक्सप्रेस कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे अगर हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो मीटर में है, अब वो मीटर में लेंथ अपने आप को इटसेल्फ एक्सप्रेस कर लेगा, उसको किसी का कोई जरूरत नहीं है, किसी का कोई हेल्प का जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, मीटर आवर डे। तो भैया टाइम का यूनिट अगर सेकेंड होता है तो टाइम को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और किसी का जरूरत नहीं है, तो टाइम का यूनिट क्या भैया सेकेंड इज अ फंडामेंटल यूनिट। अगर हम बात करें मास का यूनिट क्या होता है, वो ग्राम होता है या फिर केजी होता है, तो केजी एंड ग्राम इटसेल्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे का हेल्प लेने का। तो ऐसा यूनिट विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिविजुअली इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। डिराइव यूनिट क्या है, डिराइव यूनिट वो है जिसको एक्सप्रेस होने के लिए किसी दूसरे टर्म का हेल्प का जरूरत पड़ता है, वो अपने आप को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। क्या बोले भैया देख लो, फोर्स का यूनिट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन चलते हैं। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया केजी मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। मतलब फोर्स का यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मास का यूनिट का भी हेल्प लेना पड़ा, लेंथ का यूनिट का भी हेल्प लेना पड़ा, टाइम का यूनिट का भी हेल्प लेना पड़ा। मतलब ये जो है इट इज अ डिराइव्ड यूनिट, जो फोर्स का यूनिट होता है ये डिराइव्ड यूनिट है। सेकेंड अकेले टाइम अपने आप को अकेले एक्सप्रेस कर दे रहा है, ग्राम केजी मास अपने आप को अकेले एक्सप्रेस कर दे रहा है, लेंथ मीटर अपने आप को मीटर अकेले एक्सप्रेस कर दे रहा है।
इटसेल्फ इट कैन एक्सप्रेस फंडामेंटल यूनिट। और अगर किसी के साथ डिराइव होगा, किसी का हेल्प लेके, दो तीन फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लेके डिराइव होगा, जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव यूनिट। लाइक अगर हम बात करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हम लोग ये भी आगे पढ़ेंगे, सारा कुछ आगे है, अभी जस्ट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो कई लोग को ये आता होगा। ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट को आपको एक्सप्रेस करने के लिए क्या, आपको मास, ग्राम, मास का यूनिट का भी हेल्प लेना पड़ा, एंड सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का भी यूनिट का हेल्प लेना पड़ा। मतलब डेंसिटी इटसेल्फ अकेले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको एक्सप्रेस होने के लिए मास का भी हेल्प लग रहा है, वॉल्यूम का यूनिट का भी हेल्प लग रहा है। तो इस तरह का यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट आर व्हाट, फंडामेंटल यूनिट आर दोज, फंडामेंटल यूनिट आर दोज, दिख जा रहा क्लियर है। तो बाबू क्या देखो, अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट और विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर बी रिलेटेड टू एनी फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यही तो बात हम बोल रहे हैं, उसको किसी का हेल्प जरूरत नहीं है। किसी को अगर मेरे को किसी का हेल्प का जरूरत होगा तो फिर तो जाके हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर मेरे को किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है एक्सप्रेस होने के लिए, हम क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल यूनिट आर इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, जो दूसरे यूनिट का साथ इंडिपेंडेंट है, एंड विच कैन नाइदर बी चेंज, जो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, एंड कैन नाइदर बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। अब ये क्या, डिराइव यूनिट आर दोस विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट पे जो डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पे जो डिपेंड करता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव यूनिट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए हम लोग फोर्स कर देते हैं, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको भी पता चल जाएगा, अभी बस देख लो आप फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो केजी मास एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड टाइम के लिए, टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है। तो टाइम, लेंथ और मास तीनों फंडामेंटल यूनिट का जब यूज हो रहा है तब जाके फोर्स का यूनिट डिराइव हो रहा है। मतलब फोर्स का जो यूनिट है वो मास, लेंथ और टाइम तीनों फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लेके खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो फंडामेंटल यूनिट आर डिपेंडेंट एंड सॉरी इंडिपेंडेंट एंड डिराइव यूनिट आर डिपेंडेंट। अब आया यूनिट का सिस्टम, तीन तरह का यूनिट का सिस्टम होता है, वो चॉइस ऑफ यूनिट। क्यों वो चॉइस ऑफ यूनिट का जरूरत क्यों है, तुम ही सोच के देखो। तो पहले तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक है सीजीएस, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड पी एस स्टैंड फॉर सेकेंड। अगर हम बात करेंगे एफ पी एस, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश यूनिट है, एम के एस इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम, एम के लिए मीटर, किलोग्राम के जी, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो अगर आप देखोगे, आप खुद ही सोच के देखो, अगर अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं होता, आप सारा कुछ को एक्सप्रेस करने के लिए एक ही यूनिट का यूज कीजिएगा। लाइक अगर लेंथ का यूनिट दुनिया में सिर्फ किलोमीटर होता, लेंथ का यूनिट दुनिया में सिर्फ किलोमीटर होता, और आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इसको अगर एक्सप्रेस करना हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक सेंटीमीटर, चलो एक किलोमीटर, ये रिलेशन अगर आपको पता होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर देखा हेक्टो किलो, एक दो तीन चार पांच छ, तो एक मिलीमीटर तक अगर जाना है, और अगर सेंटीमीटर तक जाना है तो पांच, एक किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। और मेरे को इसका लेंथ मापना है, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर हम जानते हैं, लेकिन सपोज दुनिया में सेंटीमीटर
यूनिट लेंथ का होता ही नहीं, लेंथ का यूनिट एक ही होता है, वो है किलोमीटर, क्योंकि लेंथ को हम लोग किलोमीटर से माप सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सारा का सारा लेंथ का यूनिट यूनिवर्स में नहीं होता, सिर्फ किलोमीटर होता। तो सोच के देखो तुम, ये वाला चीज का लेंथ मेरे को बोलना पड़ता, मतलब ये वाला का जो लेंथ आप, ये वाला का जो लेंथ आप बोल रहे हो 8 सेंटीमीटर, उसको पुकारा जा सकता 0.00008 किलोमीटर। आप खुद से ही सोच के देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर दुनिया में लेंथ का एक यूनिट होता दैट इज किलोमीटर, तो ये जो चीज है इसका लेंथ मेरे को बोलना पड़ता 0.00008 किलोमीटर। कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है। अगर आपके घर में 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होगा, आप देखे हो उसका लेंथ अगर हम किलोमीटर में बोलो, तो मेरे को 10^5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.0015 किलोमीटर। मतलब जो भैया आपके घर में स्केल जो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसका लेंथ अगर आप किलोमीटर में बोलोगे, क्योंकि सिंस किलो सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट होता ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ लेंथ का एक ही यूनिट होता है, वो है किलोमीटर। तो आपको क्या बोलना पड़ता पता है भैया, दुकानदार के पास जाते हैं और उसको आप बोलते हैं कि बाबू भैया मेरे को 0.00015 किलोमीटर का स्केल दीजिए। वो कुछ नहीं समझ पाता, समझ भी पाता तो बहुत ज्यादा इनइफिशियंट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देता है इसको याद करना। इसीलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो छोटा लेंथ का है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम छोटा यूनिट यूज कर लेते हैं, और अगर कोई एक चीज का लेंथ ज्यादा है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बिगर यूनिट लेंथ कर लेते हैं। जैसे मेरे घर से, मेरे घर और मेरे कोचिंग में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 3 किलोमीटर है, और सपोज किलोमीटर लेंथ का यूनिट होता ही नहीं, लेंथ का यूनिट सिर्फ एक ही होता, दैट इज सेंटीमीटर। अगर होता, अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, 3 किलोमीटर को आपको लिखना पड़ता 300,000 सेंटीमीटर। लीजिए भैया, हम आपको बोल रहे हैं मेरे घर से मेरे कोचिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज 300,000 सेंटीमीटर। आप कैसे समझोगे इसको, और अगर समझ भी जाओगे तो कितना कॉम्प्लेक्स है याद करना, अगर कॉम्प्लेक्स याद करना भी नहीं है तो लिखना कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए किसी भी एक सेम काइंड का यूनिट को, जैसे लेंथ मेरे घर से मेरे कोचिंग का कितना है, लेंथ या डिस्टेंस, मेरे पास एक स्केल है उसका लेंथ कितना है, तो सब तरह का माप तो हम लेंथ ही रहे, ये वाला स्लैब का लेंथ कितना है, मेरे मार्कर का लेंथ कितना है। तो जब कोई छोटा लेंथ का ऑब्जेक्ट को मापना रहता है तो हम लोग छोटा यूनिट का यूज कर लेते हैं, और जब कोई बड़ा लेंथ का ऑब्जेक्ट को मापना है, मेजर करना है, तो हम लोग बड़ा यूनिट का यूज कर लेते हैं। क्या बोल रहे भैया, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि जो स्मॉलर सिस्टम है वो सीजीएस है। यहाँ पे लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं। जैसे आप सोचो ना, अगर हम आपको बोलूं 1 kg = 1000 ग्राम होता है, मैंने आपको बोला बाबू जाओ 5 kg चावल लेके आओ मार्केट से, 5 kg चावल तो 5000 ग्राम भी होगा। तो अब तुम खुद से ही सोच के देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। आप 5 kg बोलते हैं दुकानदार को, भैया चावल दे दो, ये आपको बोलना पड़ता 5000 ग्राम चावल दे दो। बोल तो आप लीजिएगा, समझ भी आप लीजिएगा, लेकिन भैया याद करना, समझना, लिखना कॉम्प्लेक्स तो है। इसीलिए जब हमको ज्यादा कोई चीज चाहिए होता है और मास का बात हो रहा है तो हम उसको केजी में एक्सप्रेस कर देते हैं, और मेरे को कोई चीज कम चाहिए होता है और वो ग्राम में है तो हम उसको सीजीएस में एक्सप्रेस कर देते हैं। ग्राम में सीजीएस में एक्सप्रेस कर दिए, ज्यादा क्वांटिटी है एसआई में, एसआई है एमकेएस बोलते हैं इसको, एमकेएस में एक्सप्रेस कर दिए, तो मास के लिए केजी यूज कर दिए। तो फॉर द बिगर ऑब्जेक्ट, बिगर लेंथ, बिगर मास, तो हम लोग बिगर यूनिट यूज करते हैं। स्मॉलर मास, स्मॉलर लेंथ, तो हम लोग स्मॉलर यूनिट यूनिट यूज करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को मापने के लिए सिर्फ एक यूनिट का यूज नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो क्या है भैया CGS, इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। FPS, FPS कुछ नहीं है, FPS में F फुट के लिए है, लेंथ को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर या किलोमीटर से। जो ब्रिटिशियर लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, यूके वाले लोग, उन लोग लेंथ को फुट में मापते हैं, इसीलिए लोग F लिखे। P स्टैंड फॉर पाउंड, हम लोग मास को मापते हैं ग्राम में, केजी में। जो भैया ब्रिटिशियर लोग हैं उन लोग मास को मापते हैं पाउंड में, इसीलिए आप जब केक खरीदने जाते हो तो 1 pound cake बोलते हैं, 1 kg नहीं बोलते, क्योंकि केक वगैरह उन लोग का इन्वेंट किया हुआ है, तो इसीलिए केक वगैरह अभी भी पाउंड में बिकता है। और 1 pound is around 4.450 ग्राम, 1 pound is 450 ग्राम। S स्टैंड फॉर सेकेंड। नाउ MKS, M स्टैंड फॉर मास, सॉरी M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड।
तो सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस एफपीएस एमकेएस हम लोग यूज करेंगे सीजीएस और एमकेएस। सीजीएस स्मॉलर यूनिट है और एमकेएस बिगर यूनिट है। क्यों यूज कर रहे हैं ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेम काइंड का लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा लेंथ के लिए हम लोग बिगर यूनिट यूज कर लेते हैं, छोटा लेंथ के लिए स्मॉलर यूनिट यूनिट लेंथ कर लेते हैं। तो बहू अब अगर आपको मैं फिर से बोला था पिछले वीडियो में, अभी भी बोल दे रहा हूँ, वीडियो को हम रैप करने वाले एक मिनट के अंदर रिविजन कर गए। तो भैया यूनिट क्या है, विदाउट एनी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी इज मीनिंगलेस। हम बोल रहे हैं मेरा हाइट 5.5 है, 5.5 किलोमीटर मीटर फ्रूट कितना है नहीं पता चल रहा, तो यूनिट आपको बताना होगा। यूनिट दो तरीका का होता, फंडामेंटल यूनिट डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट विच कैन डिस्क्राइब इट सेल्फ, वो अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर सकता है। डिराइव यूनिट आर दोज विच कैन नॉट सॉरी विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, दे आर डिराइव विद द हेल्प ऑफ अदर फंडामेंटल यूनिट। मतलब कोई भी डिराइव यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को उसको और फंडामेंटल यूनिट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट पड़े सेंटीमीटर सीजीएस एमकेएस एफपीएस कि भैया कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ को मापने के लिए मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर किलोमीटर इतना का क्या जरूरत है। इतना का ये जरूरत है कि भैया अगर सेम काइंड का यूनिट को मापने के लिए आप अगर स्मॉलर या बिगर यूनिट यही रखिएगा, तो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जब उसको आप बिगर में एक्सप्रेस कीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा आएगा, और जो बिगर है उसको आप स्मॉलर में एक्सप्रेस कर दीजिएगा बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा आएगा। इसलिए हम लोग छोटा चीजों को स्मॉलर यूनिट में माप लेते हैं, बिगर चीजों को बिगर में यूनिट में माप लेते हैं। तो सीजीएस इज स्मॉलर यूनिट, एमकेएस और एसआई भी बोल देते हैं इसको इज अ बिगर यूनिट। यही तक हम लोग खत्म किया। अब हम लोग भैया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन, लीनियर मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसके अंदर काफी कुछ है वो कंटिन्यू होगा धीरे धीरे, वीडियो अपलोड होते रहेगा। अभी हम लोग कर लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बाद, क्योंकि जितना हम लोग पढ़े हैं इससे हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना एंड नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लेना। थैंक यू वेरी मच।